हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने है मारुति की लेटेस्ट प्रोडक्ट जो कि है ग्रैंड विटारा। और सबसे खास बात है कि ये इसका बिल्कुल बेस मॉडल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो यही होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही दिखाने वाला हूँ कि मारुति ने बेस मॉडल में ग्रैंड विटारा में आपको क्या सब चीज़ ऑफर किया है, ठीक है। सबसे पहले कार की आप फ्रंट लुक देख सकते हो, फ्रंट लुक ग्रैंड विटारा की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको लगती है, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही माचो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। सबसे बेस्ट चीज़, बेस मॉडल में भी आपको प्रॉपर DRLs मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट। और बेस मॉडल में अगेन आपको प्रोजेक्टर लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। बेशक ये हैलोजन ही है, इसमें कोई LED प्रोजेक्टर नहीं है, बट आपको प्रोजेक्टर तो मिल रही है बेस मॉडल से, यही बड़ी बात है। और ग्रिल आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली ग्रिल ही आपको देखने को मिल जाती है बेस मॉडल में भी। और ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल है तो इन्होंने मैट ब्लैक दे दिया है। सामने से अगर आप जिसकी लाइट्स को वाइट एडजस्ट करवा लेते हो ना, तो कोई नहीं बता सकता कि ये बेस मॉडल है या फिर टॉप मॉडल। यही खासियत है इस कार की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नीचे आपको ऐसी वाइट कलर की, वाइट मतलब नॉर्मल सिल्वर कलर की स्किड ब्लेड मिल जाती है, ये अपना टोइंग हुक हो गया। और ऐसी कुछ आपको इसकी साइड लुक मिल जाती है, साइड से भी कार काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही है इधर से। और इस तरफ आपको ये ब्लैक कलर में मिला है क्योंकि इसमें आपको व्हील कवर्स देखने को मिलेंगी, जब आप कार की डिलीवरी लोगे तब शोरूम वाले आपको चिपका के देंगे। टायर प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल किधर है, किधर है, हाँ 215/60R17 बेस मॉडल से 17 इंची, भाई देख रहे हो क्रेटा सेल्टोस में बेस मॉडल में वो लोग 16 इंची का टायर चाहिए प्रिय, लेकिन ग्रैंड विटारा में आपको प्रॉपर 17 इंची बेस मॉडल से मिल रही है। बेस मॉडल में आपको इधर मिल रहा है ये चीज़ इंडिकेटर, और आपको प्रॉपर ORVM से मिल रही है। क्रेटा सेल्टोस में क्या करते हैं, बेस मॉडल में फेंडर पे चिपका के देते हैं, इसीलिए ये कार मेरे को बेस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वाइपर बेशक आपको नॉर्मली मिल रहा है, कोई एरो ट्विन वगैरह नहीं है, कोई रूफ रेल नहीं है, ऑब्वियसली बेस मॉडल है, बट बेस मॉडल है फिर भी आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल रहा है। बेस मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर, ओहो भाई देख रहे हो मारुति ने कितने ज़बरदस्त आपको फीचर्स दिए। रिक्वेस्ट सेंसर से याद आया, बेस मॉडल से ही आपको रिमोट लॉक भी मिल रहा है, सुजुकी का लोगो और लॉकर अनलॉक, यही सेम की आपको टॉप मॉडल में भी देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने बेस मॉडल में इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स दिए ना, टॉप मॉडल की आपको मतलब उतनी ज़्यादा कमी नहीं लगने वाली। बाहर से थोड़ा अगर आप एक्सेसरी लगवा लेते हो ना, तो टॉप मॉडल से ही ये बन जाएंगी। और ग्लास एरिया भी इसका काफ़ी बड़ा है, क्वार्टर ग्लास पैनल भी बहुत बड़ा है। इधर आपके पास थोड़ा सा सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है, इधर स्पॉइलर हो गया, शार्क फिन एंटेना हो गया, और व्हील आर्चेस भी आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाता है। ओके, और ये हो गया इसका रियर लुक। रियर से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देख रहे हो भाई, रियर से तो फुल टॉप मॉडल लग रही है। अगर जस्ट एक वाइपर की कमी रह गई यार, वो तो खैर बेस मॉडल है, कुछ तो कमी इनको करना ही है, तो वरना टॉप मॉडल लेगा कौन। लेकिन लाइट्स देख रहे हो कितनी ज़्यादा अच्छी है, और रात में कितनी प्यारी लगने वाली है, आप जस्ट खुद अंदाज़ा लगा लो। बहुत ज़्यादा मेरे को कार की लाइट्स अच्छी लगी है। और इधर आपके पास रियर डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी हो गया, और ग्रैंड विटारा की बैजिंग देख सकते हो, इधर थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आप देख सकते हो। कितनी प्यारी लग रही है भाई ये कार, मेरे को बहुत पसंद आई है ये कार बेस मॉडल में। इंडिकेटर हो गया, ये हैलोजन में है, और ये अपना रिवर्स लाइट हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है क्योंकि इस कार में ऑब्वियसली स्मार्ट हाइब्रिड आता है। बूट को खोलते हैं, बूट स्पेस इज क्वाइट गुड, ऑन पेपर ये लोग बताते हैं 350 के करीब, लेकिन रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही मेरे को सही लग रही है। पार्सल शेल्फ नहीं है इसीलिए शायद ज़्यादा खुला खुला लग रहा है, बट भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बूट स्पेस लग रही है, ऑलमोस्ट क्रेटा सेल्टोस के बराबर ही तो मेरे को लग रही है। खैर, फ्लोर आपको बिल्कुल फ्लैट मिलता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, दोनों तरफ आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और ऐसी कुछ इस तरह की आपको व्हील कवर्स देखने को मिलने वाली है ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में। अनफॉर्चुनेटली कोई लाइट नहीं है, बट आपको एक हुक मिल जाता है जिससे कि आप सामान वगैरह टांग सकते हो। 60-40 स्पीड भी आपको देखने को मिल जाता है, देख रहे हो बेस मॉडल से ही, वाह मारुति वाह। और इसको इस तरह से बंद करिएगा, और ऐसे आपको पीली कलर की नंबर प्लेट की लाइट्स मिल जाती है। अंदर चलते हैं, अब दिखाने की बारी है कि अंदर आपको मारुति क्या सब चीज़ ऑफर कर रही है। ऐसे कुछ आपको डोर पैनल मिल जाती है, ये अपना लॉक अनलॉक के लिए, इधर सिल्वर फिनिश हो गया, इधर अपना ब्राउन फिनिश हो गया, ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक मिलता है, बट ये पार्ट आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदर नहीं है, फैब्रिक है, बट सॉफ्ट टच है तो चलता है। बेस मॉडल से भाई क्या कर रखा है मारुति ने, क्या फीचर्स दिए तगड़े तगड़े। बेस मॉडल में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चारों के चारों पावर विंडोज मिल रहे हैं। ऑटो अप डाउन हम अभी चेक करवा लेते हैं कि क्या आपको मिलता है। ऑटो डाउन तो ऑब्वियसली है, कितनी तेज़ी से जा रही है ये, एंड ऑटो अप भी है भाई, बहुत बढ़िया। बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, कोई डंडी वाले सिस्टम नहीं है, हुंडई किया भाई कुछ तो सीखो इनसे। और आपको फोल्डेबल भी मिल रही है, वाह भाई वाह,
हाई बेस मॉडल से इंजन स्टार्ट स्टॉप, कौन सी कंपनी की कौन सी कार मतलब इस सेगमेंट में देती है आप मेरे को बता दो, बेस मॉडल से हैं, वो भी आप फिनिशिंग देखो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली, भाई इतनी प्यारी लग रही है कार मेरे को। सीट्स भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है बेस मॉडल में, प्रॉपर डेड पेडल मिल जाता है, फिर बॉनेट खोलने के लिए ये लिवर हो गया और फ्यूल लिड खोलने के लिए ये लिवर हो गया, हेडलाइट लेवल आपको इधर मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक ही है सभी जगह, बट इतने फीचर्स अगर आपको बेस मॉडल में कोई दे रहा है तो हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट प्लास्टिक की कौन ही कंप्लेन करने वाला है। ऐसे कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है और यहाँ पे बेस मॉडल की झलक आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ। उससे पहले स्टीयरिंग व्हील पे सबसे पहले रहते हैं, स्टीयरिंग व्हील आपको अनफॉर्चुनेटली लेदर रैप नहीं मिलती और काफ़ी पतली सी ये लग रही है, देखो आप इतना जस्ट दो उंगलियों का है। खैर लेदर अगर आप इस पर चढ़ा लेते हो तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। और इन्होंने ये तो नहीं दिया क्या कहते हैं म्यूजिक सिस्टम, बट इन्होंने प्रॉपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिया है, इस चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है, मतलब आफ्टर मार्केट अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं तो आपके पास प्रॉपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें रहने वाला है। और ऐसे कुछ आपको मिल जाती है, आपको MID 8000 तक मार्किंग है और ये 220 तक स्पीड के लिए मार्किंग है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई, बिल्कुल टॉप मॉडल में सेम आपको डिट्टो मिल जाता है जो MID है। ऐसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी खूबसूरत ये सिस्टम है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया फीचर्स इन्होंने भर भर के दिए हैं और क्वालिटी का भी ध्यान रखा है, बेस मॉडल है तो ऐसा नहीं कि इन्होंने भेदभाव कर रखा है। इधर ऑब्वियसली खाली है, ये अपना हैजार्ड लैंप हो गया, चारों तरफ हार्ड प्लास्टिक विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, वी डोंट माइंड, बेस मॉडल में अगेन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, भाई आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड विद दिस कार। बेस मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है और इधर कुछ नहीं है, इधर फ़ोन रखने का थोड़ा सा आपको पास जगह मिल रहा है और ये अपना गियर नॉब हो गया। हाँ यहाँ पे बेस मॉडल की झलक दिख गई ना देख रहे हो, इधर थोड़ा सा मतलब बेस मॉडल सा ही फिनिश मिलता है, कोई ग्लॉसी वगैरह नहीं है। और इधर आपको मिल जाता है मैनुअल, इसमें कोई ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं है बट मैनुअल दिया है, डे एंड नाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। केबल लाइट्स आपको येलो कलर की मिलती है विच इज़ ओके नो प्रॉब्लम। इधर आपको मिरर मिल जाता है विच इज़ अगेन गुड, इस तरफ भी मिरर मिल जाता है वाह विच इज़ वेरी वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली कोई आपको सनरूफ नहीं मिलता बट बेस मॉडल है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, कोई सनग्लास होल्डर भी नहीं मिलता बट ठीक है हम लोग इतना माइंड नहीं करेंगे। आपके पास ऐसी कुछ ग्लव बॉक्स मिल जाती है, साइज इसका डिसेंट है, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं है। आपके पास नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाती है, ट्विन कप होल्डर्स मिल जाती है, ये देखो आर्मरेस्ट आपको मिल रही है स्लाइडेबल के साथ, ओ हो होए। अब देखो स्टोरेज स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है, एक फ़ोन भी आई गेस नहीं आ सकता बट ठीक है भाई एडजस्टेबल, आप ऐसी आर्मरेस्ट दे रहे हैं बेस मॉडल में, यही कौन सी कंपनी देती है, तो सामने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। अब मैं आपको रियर दिखा देता हूँ कि रियर में आपको क्या मिलता है, इसमें भी आपको ऑब्वियसली पावर विंडो मिल जाता है, इधर पकड़ने के लिए मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर नहीं है बट आपको इधर स्पेस मिल जाता है स्पीकर लगवाने के लिए। और इधर हम आ जाते हैं अंदर और ऐसे कुछ आपको एक्सपीरियंस मिल जाती है रियर सीट में, इधर भी आपके पास मैगजीन होल्डर मिल जाता है, इस तरफ भी आपके पास मैगजीन होल्डर मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात देखोगे बेस मॉडल से ही आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाता है ग्रैंड विटारा में, तो ये आप देख सकते हो ऐसे कुछ आपको एसी वेंट्स मिल जाती है। और कोई चार्जिंग सॉकेट अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है और ऐसी कुछ आपको मिल जाती है फुल ओवरऑल एक्सपीरियंस, ऐसी आपको सामने के डैशबोर्ड की व्यू देखने को मिल जाती है। और केबिन लाइट्स आपको इस तरफ दी गई है, येलो हैलोजन दोनों तरफ दी गई है विच इज़ गुड। और एक अच्छी बात है तीनों के तीनों आपको जो सीट हेडरेस्ट है एडजस्टेबल ही मिलते हैं भाई, बेस मॉडल में तीन तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, क्या बात है। और बीच वाले पैसेंजर के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट, आई गेस ऐसी सीट बेल्ट आपको जस्ट हाई राइडर और विटारा में ही मिलती है। और एक अच्छी चीज़ देखोगे बेस मॉडल से ही इन्होंने सेंट्रल आर्मरेस्ट भी दे रखी है विथ ट्विन कप होल्डर्स, भाई क्या बढ़िया फीचर्स दिए मारुति ने, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड, मैं ये तीन बार बोल चुका हूँ ये लाइन, लेकिन कार ही ऐसी बनाई है इन्होंने तो यही कहेंगे ना। और ओवरऑल स्पेस की बात करें तो स्पेस डिसेंट है, काफ़ी सही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास, डिसेंट सा स्पेस है, बहुत बढ़िया खुला मिला मैं नहीं बैठा हूँ बट काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। लास्ट एंड फाइनल आप कार का इंजन भी देख सकते हो, बेस मॉडल में आपको एक इंजन ऑप्शन मिल जाता है जो कि अपना 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 102 BHP और टॉर्क जनरेट करता है 136 न्यूटन मीटर्स, तो ऐसे स्मूथ ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार है, कोई वाइब्रेशन कोई इंजन नॉइज आपको इसमें देखने को नहीं मिलती बट
परफॉर्मेंस के मामले में डिसेंट है। बहुत भगाने के शौकीन हो तो आप इससे बोर हो जाओगे, आपको अंडर पावर्ड ही लगेगी, बट नॉर्मल सिटी में चलाने वाले बंदे हो या फिर हाईवे में भी बिल्कुल प्यार से चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं मिलने वाली। और सबसे बढ़िया बात कार की माइलेज जब मारुति कार है, स्मार्ट हाइब्रिड है, तो आप ऑब्वियसली हाईवे में तो 20 के ऊपर एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर आप बिल्कुल लाइट फुटेड चलाओ प्यार से और आपकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी है। तो यही था ऑल न्यू मारुति विटारा, ग्रैंड विटारा सॉरी, का बिल्कुल बेस सिग्मा मॉडल। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कार है, और इस सेगमेंट में बाकी कार्स आती है ना, क्रेटा, सेल्टॉस, फिर टाइगोन, फिर कुछ एस्टर, उनमें सबसे बढ़िया अगर आप बेस मॉडल चाहते हो ना तो आपको ग्रैंड विटारा ही लेनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर्स और कोई कंपनी की कार ऑफर नहीं कर रही। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो हो गया 10,45,000, तो ऑन रोड 12 लाख के करीब आपको ये मिल जाएगा। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ स्टेट में 12 लाख के कम भी मिल सकता है, तो उस हिसाब से बहुत ही परफेक्ट डील आपको ये मिलने वाली है। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल थम्स अप है। और अगर आप एक मिड साइज एसयूवी की तलाश कर रहे हो मार्केट में, 12 लाख के अंडर आपका बजट है, तो ग्रैंड विटारा आपकी बिल्कुल फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।